साड़ी की कलेक्शन, साड़ी की हॉल में आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो ये रही इतनी सारी ऑर्गेन्जा की साड़ी। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है आज के नए एपिसोड में। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेन्जा साड़ी हॉल या कलेक्शन आप बोल सकते हैं। मेरे पास जितनी ऑर्गेन्जा की लेटेस्ट साड़ी है आज मैं आप लोग के सामने उसका हॉल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऑर्गेन्जा साड़ी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इन में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी चल रही है। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है पहनने में। तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हो गए और मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार के सामने इस चीज़ को शेयर करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो आज खूब मज़ेदार ये एपिसोड होने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब साड़ी की कलेक्शन, साड़ी की हॉल में आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये रही इतनी सारी ऑर्गेन्जा की साड़ी, मैं आप लोग के सामने वन बाय वन शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। पॉपकॉर्न ज़रूर ले लीजिए या मंचिंग के लिए कुछ आइटम ले लीजिए, क्योंकि आज की जो एपिसोड है आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आप बोलोगे वाओ कितनी अच्छी कलेक्शन है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, खूब सारा मोहब्बत इश्क प्यार दीजिएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से और अच्छे अच्छे आपको वीडियोस वगैरह इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे, लाइफस्टाइल के बारे में, डेली व्लॉग्स के बारे में और मेकअप के बारे में, बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल में शेयर करती हूँ, प्लीज बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली जो साड़ी है वो ये है, ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है। कलर देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। इसमें जो है ये इस टाइप के थ्रेड के वर्क है, जिगजैग पैटर्न में ये जो है वो कटिंग है, प्योर ऑर्गेन्जा है और इसे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा ईजी रहती है, क्योंकि वेट जो है वो बहुत ज्यादा हल्की है, मतलब क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास वर्क नहीं है, मतलब खास है बट थ्रेड का जो है वो कढ़ाई का काम है, चिकनकारी काम है आप बोल सकते हैं। तो उसमें जो है वो चिड़ियों की चढ़चढ़ाहट है, ओके। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि वर्क है बट बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब आपको दिन भर यदि गर्मी की सीज़न में, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रही है और आपको यदि साड़ी कैरी करनी है तो इस टाइप की साड़ी आप ज़रूर प्रेफर करिए। ऑर्गेन्जा साड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, काफ़ी देर तक आप पहन सकते हैं, गर्मी थोड़ी सी लगती है बट ठीक है यार, अब शादी है, फंक्शन है या कुछ प्रोग्राम है तो थोड़ी सी वी हैव टू मैनेज, तो इसलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अदरवाइज मैं बोलूँ तो साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरी साड़ी में जो है वो इस टाइप के वर्क है। साड़ी की जो कलर है वो प्लेन है, इस टाइप के हैं, गोल्डनिश ब्राउन टाइप की आप बोल सकते हैं। पूरी साड़ी जो है इस टाइप के वर्क है, आंचल में भी जो है वो वर्क हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ऑर्गेन्जा की। और ये जो है इसकी आंचल है बहुत ज़्यादा प्रिटी है, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये जो वर्क है इसके कारण ही आई ऑप्टेड दिस साड़ी। सच में बताइए कि आपको ये वर्क पसंद आई कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये जो जिगजैग पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पहनने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। और ये रही पूरी साड़ी, मैंने खोल लिया, बाद में मुझे जो है वो फोल्ड करके फिर से अच्छे से इसे रखनी पड़ेगी, बट मुझे आपको दिखानी थी करके मैंने बोला कि चलो खोल के आपको दिखाया जाए ताकि आप जो है वो अच्छे से देख सकें और आइडिया ले सकें। यदि आप जो है ऑर्गेन्जा साड़ी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर ऑप्टेट करिए, आपके पास भी होनी चाहिए, मतलब ईजी टू वेयर है, फटाफट पहन ले। हालाँकि थोड़ी सी प्लीटिंग में प्रॉब्लम आती है बट यदि आप अच्छे से प्लीटिंग वगैरह कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये रही पूरी साड़ी। अब मैंने तो बोल दिया था कि साड़ी जो है ऑर्गेन्जा की हल्की रहती है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन वर्क, वर्क में टोटल डिपेंड करती है। तो ये वाली जो साड़ी है ऑर्गेन्जा की, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी इसलिए भाई साहब क्योंकि देखिए वर्क जो है ज़्यादा सुंदर है, स्प्लेंडेड वर्क है। और जैसे कि ऑर्गेन्जा साड़ी जो रहती है बहुत ज़्यादा शीयर रहती है, तो उसके लिए आप एग्जैक्ट जो पेटीकोट है वो ही लें, हो सके तो जो फिट वाली आती है, जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं इस टाइप की जो आप पहनेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और फुली फुली नहीं लगेगी। तो ये साड़ी जो है वो इसमें पूरा जो है, इसमें जो पूरे हैं उसमें वर्क है, इसमें मिरर वर्क वगैरह दिया हुआ है, इट हैज़ टेसल ऑन इट। और जो साड़ी है देखिए इसका कॉम्बो देखिए बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पिंक और ब्लू वाकई बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कॉम्बिनेशन है। पूरी साड़ी जो है वो इस टाइप की है, बहुत सुंदर है। ये साड़ी जो है मैंने क्रिसमस के टाइम में ऑप्टेट की थी और बहुत लोगों ने पसंद की, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एक नज़र में जो है मुझे वो पसंद आ गई थी। तो पूरी साड़ी में जो है ये इस टाइप के वर्क हो रखे हैं।
वेट की मैं बात करूं तो मैं इसे सच में आपको बताऊं तो एक घंटे से ज्यादा मैं पहन नहीं पाई। जैसे ही चर्च खत्म हुई मैंने साड़ी को चेंज कर लिया और जब हम लंच के लिए जा रहे थे तो मैंने दूसरा ड्रेस पहना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी है ये साड़ी। लेकिन ठीक है, फेस्टिवल है करके मैंने इसे लिया था, बट वेट की मैं बात करूँ तो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दूसरी जो ऑर्गेन्जा की साड़ी है वो ये है। इसमें जो है वो हल्की हल्की डॉटेड डॉटेड जो स्टोन है वो लगे हुए हैं, तो स्टोन भी क्या है ना, थोड़ा सा वेट जो है जो स्टोन है वो साड़ी को और ज़्यादा इन्हेंस कर ले रही है, येट वेट को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। बट ठीक है, बहुत अच्छी साड़ी है और पूरी साड़ी में जो है वो मिरर का वर्क है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये थी मेरी सेकंड साड़ी, तो इसमें टैसल लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। सेकंड जो साड़ी है वो ये है, मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ जो है आपको दिखानी है। तो सेकंड साड़ी ऑर्गेन्जा की जो है वो ये है। ओके जी, तो नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये वाली है। कलर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पेस्टल या फिर पिस्ता ग्रीन जो अपन बोलते हैं वो ग्रीन कलर की है। इट हैज़ बॉर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो पर्ल के वर्क हैं, थोड़े स्टोन के वर्क हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और साड़ी जो है वो पूरी प्लेन है, बट ये जो छोटे छोटे वर्क आप देख सकते हैं वो वर्क इसमें दी हुई है, इसलिए मैं पूरी साड़ी खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि साड़ी जो है वो उसमें बॉर्डर दी हुई है और ये छोटे छोटे वर्क हैं तो आप समझ सकते हैं। और जो आंचल है, जो मेन आंचल है वो ये साइड है, इसमें जो है वो इस टाइप के वर्क दिए हुए हैं और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट मुझे लगी थी, इसलिए देखिए इस तरफ भी दी हुई, दोनों साइड में जो है वो दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। कलर देख के ही मैंने इसे ऑप्टेट किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है। मेरे पास इस टाइप की कलर नहीं थी और जो बॉर्डर है, और बॉर्डर जो है वो ग्रीन कलर की पाइपिंग जो अपन बोलते हैं तो उसमें पाइपिंग दी हुई है। ब्लाउज का जो कलर है वो भी सेम एग्जैक्ट यही कलर है ग्रीन कलर की, और जो साड़ी है वो ये पिस्ता कलर की है। तो ये साड़ी भी बहुत ही सुंदर है, वेट भी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें वर्क है तो, लेकिन आप इसे मैनेज जरूर कर लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे मैनेज नहीं कर सकते, और पहनने में भी बहुत सुंदर लगेगी। साड़ियों में जो ऑर्गेन्जा साड़ी दी हुई रहती है बट इसमें बॉर्डर है करके मैंने इसे पसंद किया, इसे ऑप्टेट किया। इससे मैं अभी दूंगी स्टिचिंग के लिए, न्यूली परचेस्ड साड़ी है तो ये जाएगी स्टिचिंग के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो साड़ी है ऑर्गेन्जा की वो ये है। अब इसका जो प्रिंट है, प्रिंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरी साड़ी में यही प्रिंट है, पूरी साड़ी प्लेन है बट इट हैज़ प्रिंट ऑन इट। इसमें जो है वो पूरी साड़ी प्लेन है बट प्रिंट दी हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे मैंने एक दफ़ा पहना है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, मतलब कैरी करने में तो जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा ईजी रहती है यदि उसमें वर्क ना हो, स्टोन वगैरह के काम ना हो, बट इसमें कुछ काम नहीं है बट इसमें प्रिंट दी हुई है और इसे कैरी कर सकती हूँ मैं, दिन भर पहन सकती हूँ, इवन मैं इसमें पहन के सो भी सकती हूँ। इतनी हल्की, इतनी अच्छी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मटेरियल भी हल्की सी सॉफ्ट मटेरियल है, बट ये ऑर्गेन्जा ही साड़ी है बट थोड़ी सी सॉफ्ट, हल्की सी सॉफ्ट मटेरियल में प्रिंट जो है वो इस टाइप के आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने स्टिच नहीं कराया क्योंकि ब्लाउज़ भी अगेन सेम थी, तो मैं सोची कि मैं दूसरा ब्लाउज़ लूँगी और दूसरे ब्लाउज़ में पहनूंगी करके मैंने इसका ब्लाउज़ को जो है वो स्टिचिंग के लिए नहीं दिया। बट साड़ी जो है, साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको भी शायद ये पसंद आई होगी। यदि आई होगी तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी साड़ी है ये। चलिए, ये फोर्थ साड़ी जो है वो ये। अच्छा, तो नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये है। बहुत आज मैंने सच में बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मैंने चुन के जो है वो साड़ी आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये साड़ी जो है, देखिए इसमें भी पूरी प्रिंट है और ये प्रिंट के कारण ही मैंने इसे पसंद किया था। बहुत ही अच्छी प्रिंट है, पूरी साड़ी में इस टाइप की ये प्रिंट दी हुई है और ये देखिए, आई होप आप देख लिए होंगे, तो पूरी साड़ी में जो है वो उस टाइप के वर्क है जिसमें कि एलिफेंट बनी हुई है, फ्लावर बनी हुई है और लीव्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो पूरी साड़ी जो है उसमें इस टाइप के प्रिंट दिए हुए हैं, पूरे वर्क दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये पहनने में क्योंकि मैंने एक बार इसे पहना हुआ है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी ये लगती है पहनने में, और चार चांद तो ये ज़रूर लगाएंगे। और
इसमें भी जो है वो टेसल दी हुई है। वेट, मैं आपको दिखाई देती हूँ, इसमें भी जो है वो पूरी टेसल दी हुई है। तो आजकल में जो है वो टेसल है, तो मुझे लगता है आजकल टेसल का जमाना है, टेसल जो है बहुत ज्यादा इन है। तो ये साड़ी भी बहुत ज्यादा सुंदर है, फोटो आप देख सकते हैं पहनने में इस प्रकार से लगती है, बहुत ज्यादा प्रिटी, बहुत ज्यादा मेसमराइजिंग है। इवन मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स इसमें पाए हैं जब मैं इसे पहनी थी। बॉर्डर जो है वो इस टाइप की बॉर्डर दी हुई है, हल्का सा जो है वो कोसा टच भी आप बोल सकते हैं, बट ये ऑर्गेन्जा साड़ी है। बट बॉर्डर के कारण ऐसी लगती है कि ये कोसा की साड़ी है, बट ये ऑर्गेन्जा साड़ी है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। ओके, तो ये एकदम फ्रेश है, फ्रेश फ्रॉम अवन है। तो ये जो है वो एकदम लेटेस्ट, अब भी मैं इसे खोल रही हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये जो है मैंने रिसेंटली खरीदी है और इसके काम के कारण जो है वो एकदम मुझे भा गई थी ये साड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैंने इसे भी पहना नहीं है क्योंकि अभी पहनने का वक्त नहीं आया है और वक्त जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये साड़ी जो है वो पूरी ऐसी ही, पूरी साड़ी में इस टाइप से जो है वो बॉर्डर दी हुई है, इसमें छोटे छोटे स्टोन दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है हल्की सी कढ़ाई का काम है। आप इसे पर्ल ना समझें, ये कढ़ाई की काम है और ये छोटी छोटी स्टोन वगैरह दी हुई है। कलर जो है वो ग्रीन कलर है और इसमें ब्लाउज जो दी हुई है, ब्लाउज भी एग्जैक्ट सेम कलर की ब्लाउज है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है पहनने पे भी, क्योंकि जब ये साड़ी को दिखा रहे थे तो साड़ी को देखी मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और ये तो पक्के जाएंगे जल्द से जल्द स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी साड़ी जो है मैं बिना पहने नहीं रह सकती हूँ। पूरी साड़ी में जो है वो इस टाइप के काम पूरी साड़ी में जो है वो इस टाइप के काम है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ऑर्गेन्जा जो है वो थोड़ी सी मैनेज करनी, मतलब वेट तो सही रहती है लेकिन यदि प्लीटिंग्स वगैरह आप अच्छे से नहीं बनाएं तो कई बार वो खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए प्लीटिंग वगैरह बहुत अच्छे से बनाइएगा। और उसको आप जब पहन लेंगे बहुत अच्छे से, जब आप उसे कैरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा लुक को वो इन्हेंस कर देती है, बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगती है। इसलिए जो है ऑर्गेन्जा साड़ी थोड़ी सी, जैसे कि थोड़ी मेहनत है, बट यदि आप अच्छे से उसको पहनेंगे, अच्छे से उसे कैरी करेंगे तो आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है और आएगी। इसलिए आप जो है यदि ऑर्गेन्जा साड़ी पहन रहे हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से प्लीटिंग वगैरह कर लीजिए। खुद से यदि नहीं बन रहा है तो किसी को बोलिए अपने घर में, लेकिन जो है वो अच्छी प्लीटिंग करिएगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये साड़ी भी। जो है वो पूरी साड़ी में देखिए इस टाइप के वर्क दिए हुए हैं, पूरी साड़ी जो इस टाइप की सुंदर सी है, प्यारी सी है, सुंदर प्यारी, बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगेगी पहनने पे डेफिनेटली, तो मज़ा तो ज़रूर आने वाला है। आपको मज़ा आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो है मैंने आज आपको दिखाई हैं, पसंद आई होगी तो प्लीज़ क्या करना है आपको पता है। मैं फिर किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए, गर्मी में प्लीज़ चिड़ियों के लिए पानी निकाल के रख दीजिएगा और पेट्स के लिए भी पानी, यदि हो सके तो प्लीज़ स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के लिए खाना और पानी का थोड़ा सा अरेंजमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए इसी थॉट्स के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।